नमस्कार, स्वागत है आपका लुक मीडिया में। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही आइसोलेशन सेंटर की भी कमी साफ साफ पता चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब यह तय किया है कि वो भारतीय रेल द्वारा निर्मित आइसोलेशन कोचेस का इस्तेमाल करेंगी और उत्तर प्रदेश में मऊ पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ आइसोलेशन कोचेस लाए जाएंगे। इस मामले में और जानकारी दे रही हैं हमारी रिपोर्टर आकांक्षा सिंह। कोरोना महामारी के संकट के समय में भारतीय रेलवे अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे ने दिल्ली में 503, आंध्र प्रदेश में 20, तेलंगाना में 60, उत्तर प्रदेश में 372 और मध्य प्रदेश में 5 कोविड केयर कोच तैनात किए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिवीजन के मऊ जंक्शन में आइसोलेशन कोचेज में इलाज शुरू हो गया है। मऊ जंक्शन में भर्ती 59 संदिग्ध मरीजों में से 8 को स्वास्थ्य में सुधार के बाद छुट्टी दे दी गई है। मऊ जंक्शन के अलावा उत्तर प्रदेश में 23 अलग अलग स्थानों पर कुल 372 कोविड केयर कोच तैनात किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में 9 स्थानों पर 503 कोविड केयर कोच तैनात किए गए हैं। इन कोचेज में 6 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी SOP के अनुसार डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की तैनाती राज्य सरकारें कर रही हैं। कोरोना मरीजों की देखभाल में मदद करने में रेलवे राज्य सरकारों की हर संभव मदद कर रही है। महामारी से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने राज्य सरकारों को 5,231 कोविड केयर कोच उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। अब यह आइसोलेशन कोचेस कितने कारगर साबित होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, पर तब तक और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लुक मीडिया।